अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल का टैक्स कैसे खुद चेक कर सकते हैं कि आपके मोबाइल का टैक्स कितना है। और अगर आप अपने मोबाइल का आईएमई नंबर किसी आईडी में ऐड कर लेते हैं तो आपको उसको डिलीट करने का नहीं पता, तो वो भी आपको बताऊंगा कि आप अपना आईएमई नंबर किसी आईडी में ऐड कर लेते हैं उसको रिमूव कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि हम आप अपनी डिवाइस का टैक्स कैसे चेक करते हैं। उसके लिए हमने कीपैड ओपन करना है, उसमें डायल करना है *8484#। ये हम डायल करेंगे। डायल करने के बाद हमारे पास सामने जो है ये ऑप्शन आ जाएगा, इसमें लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए हमने सिलेक्ट करना है वन सिलेक्ट करके सेंड कर देंगे। उसके बाद ये मेन्यू आ जाएगा, इसमें फिर आपने रजिस्टर मोबाइल डिवाइस वन आपने सेलेक्ट करके सेंड कर देना है। उसके बाद फिर ये ऑप्शन आ जाएगा, इसमें हमने सेलेक्ट करना है वन ऑप्शन, तो वन ऑप्शन सेलेक्ट करके इसको सेंड कर देंगे। उसके बाद ये विंडो हमारे सामने ओपन होगी, तो इसमें आपने सेलेक्ट करना है आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, सेकंड ऑप्शन में टू प्रेस करके इसको सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद इधर ये ऑप्शन आएगा, आप CNIC अपना ऐड करेंगे। ये हमने दोबारा से आईएमई नंबर इसका CNIC नंबर जो है वो हमने ऐड कर दिया। इसके बाद ये ऑप्शन आ गया कि आपका मोबाइल जो है वो सिंगल आईएमई है या डबल आईएमई है या ट्रिपल आईएमई है, जो आपका है वो आप इधर सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं सिंगल आईएमई चेक करवाता हूँ, सेंड करते हैं। तो ये इधर ऑप्शन आ गया, आईएमई नंबर आप इंटर करें। तो यहाँ मैं अपने मोबाइल का आईएमई नंबर इंटर करूँगा। तो ये मैंने आईएमई नंबर जो है वो इंटर कर दिया। अब कंफर्मेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें आपने वन प्रेस करके फिर से इसको सेंड कर देना है। ये हमने दोबारा से इसको सेंड कर दिया, ये हमने जो है रिक्वेस्ट सेंड कर दी है। तो अभी हमारा रिप्लाई आ जाएगा, ये देखें ये हमारा रिप्लाई आ चुका है। ये देखें ये हमारा मैसेज जो हमने ओपन कर लिया है, तो इसमें जो हमने आईएमई नंबर सेंड किया है वो ये वाला आईएमई नंबर है, ये वाला हमने सेंड मैसेज किया है। तो इस पर इसका टैक्स कितना आ रहा है, 5984 रुपए इसका टैक्स शो हो रहा है। तो अगर हम ये टैक्स जो हमें शो हो रहा है ये हम पे कर देंगे तो हमारा जो है मोबाइल एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपके पास अपना, अगर आप बरूने मुल्क से सफ़र करके पाकिस्तान वापस आए हैं तो आप अपने पासपोर्ट पे भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो पासपोर्ट पे एक्टिवेट करने के लिए आपको इसमें जो आपने आईडी में ऐड कर लिया है तो इसको आपको रिमूव करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसको आप रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद आप पासपोर्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो पासपोर्ट पे अप्लाई करने के लिए पहले से आपका मोबाइल किसी भी आईडी में ऐड नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने अब ऐड किया है तो आपके पास पासपोर्ट बाद में आता है या आपको बाद में इंफॉर्मेशन मिलती है, तो आप ये जो सेटअप हमने किया है इसको आईडी में ऐड किया है तो इसको आप रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के बाद आप पासपोर्ट पे अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके लिए हम सबसे पहले इसको आईडी में से रिमूव करना सीखेंगे कि हम इसको कैसे रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए आपने पहले जो है इसकी आईडी है वो आपने कॉपी कर लेनी है। वो अभी आपको इसकी आईडी जो है वो आपको दिखा देते हैं, इसकी आईडी कौन सी है। तो उसको हमने कॉपी कर लेना है इसको रिमूव करने के लिए। रिमूव करने के लिए इसको हमें कॉपी करने की ज़रूरत होगी, तो अभी हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये इसकी आईडी, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अब हम इसका दोबारा से मैसेज वाले ऑप्शन में चले जाएंगे, इधर *8484# डायल करेंगे। डायल करने के बाद ये ऑप्शन जैसे पहले आ रहा था, लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली। उसके बाद हमने अब सेलेक्ट करना है डिलीट रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, तो इसमें हमने थ्री प्रेस करना है। थ्री प्रेस करने के बाद सेंड कर देंगे इसको। सेंड करेंगे तो इधर हमने जो है ट्रैकिंग आईडी, जो ट्रैकिंग आईडी अभी हमने कॉपी की है वो इधर हम पेस्ट कर देंगे और इसको सेंड कर देंगे। ये हमारा जो है रिक्वेस्ट जो है सेंड हो चुकी है।
तो अभी रिप्लाई आ जाएगा। तो ये देखें, ये हमारा रिप्लाई आ गया है, ये ट्रैकिंग आईडी हैज़ बीन डिलीटेड। तो ये हमारी आईडी जो है वो डिलीट कर दी गई है। अगर आपका मोबाइल जो है वो बड़ा मोबाइल है तो उसका टैक्स भी ज़्यादा आएगा। तो अगर आपका टैक्स मिसाल के तौर पे बड़े मोबाइल का टैक्स जो है वो 40,392 आता है, 40,392 जिनका टैक्स आता है, तो वो उस पर डिस्काउंट कैसे हासिल कर सकते हैं, तो उसमें डिस्काउंट आपको कितना मिलेगा, वो आपको कम से कम 7-8 हज़ार रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। उसमें 40,392 वाला जो मोबाइल है उस पर आप 7-8 हज़ार तक डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। तो वो आप डिस्काउंट कैसे हासिल कर सकते हैं इतना ज़्यादा डिस्काउंट, तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा कि आप टैक्स में इतना डिस्काउंट कैसे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मुकम्मल प्रोसीजर बताएंगे और ये भी आपको बताएंगे कि आप अपना जो टैक्स जो है, जैसे ये हमारा टैक्स 5,984 रुपये आया है, तो अगर आप पे करना चाहते हैं तो आप कैसे पे करेंगे, तो वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट हर वीडियो में बताता जाऊंगा आपको मुकम्मल पीटीए की इन्फॉर्मेशन दूंगा।